क्या क्या सीखा अभी तक आपने? लेट्स डू अ रीकैप. यू लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, यू लर्न हाउ टू एक्सेस द वर्डप्रेस डैशबोर्ड. साथ ही साथ आपने देखा कि टूल बार क्या होता है. ये सब तो छोड़ें, आपने एडवांस लेवल चीजें कर ली हैं अभी तक. आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट और पेजेस क्या हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट और पेजेस में फर्क क्या है. साथ ही साथ यू वुड नो कि मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है, मीडिया लाइब्रेरी कैसे एग्जिस्ट करती है, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं. और इसके साथ यू हैव एक्सप्लोर्ड अदर फंक्शंस लाइक एडिंग अ थीम, सीइंग एन अपीयरेंस. यू हैव डन ऑल व्हाट नीडेड टू बी डन एंड दिस इज व्हाट विल क्रिएट योर पाथ टू बिकमिंग a successful WordPress entrepreneur, a successful WordPress freelancer, and a successful WordPress smart worker. ये तीन चीजें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों ने बाकी लोगों को भी कामयाब किया और बाकी लोगों की भी जिंदगी बदली. You would not believe, अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, that I know of someone जो कि चाय बेचता था और उसने डिजिटल स्किल सीखी और आज वो पर मंथ लाखों रुपए बना रहा है. उसकी जिंदगी तो बदल गई, बट क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? विल यू बी एबल टू चेंज योर लाइफ इज द बिगर क्वेश्चन हियर. आई थिंक द आंसर टू दैट इज अ यस, बट ओनली इफ यू पुट इन हार्ड वर्क, ओनली इफ यू हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड. अब बात करते हैं एक और सेक्शन के बारे में जिसका नाम है टूल्स. टूल्स क्या होते हैं? कभी आपने ये लफ्ज़ सुना है, टूल्स? टूल्स अलाउ अस टू मेक चेंजेस, टू बिल्ड समथिंग. सो जिस तरह आपके घर में एक टूल बॉक्स होगा जिसमें एक हथौड़ी होगी, जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर होगा, इस तरह के और टूल्स होंगे उस टूल बॉक्स में. इसी तरह आप वर्डप्रेस में भी एक टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टूल्स. द टूल्स मेन्यू प्रोवाइड्स सम हैंडी एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स. ये बहुत जरूरी टूल्स हैं. इन टूल्स की वजह से यू कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट और यू आर एबल टू डू थिंग्स जो आप वैसे नहीं कर सकते. प्लगइन्स को यूज करके भी आप टूल्स को एनहेंस कर सकते हैं. इनफैक्ट देर आर सम प्लगइन्स जिनको अगर आप यूज करें तो वो आपके टूल्स वाले सेक्शन में यूज हो जाएंगे और नजर आ जाएंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम दो दे आर यूज्ड व्हेन सेटिंग अप और कॉन्फ़िगरिंग योर वर्डप्रेस साइट. सो मोस्टली आप टूल्स का यूज कब करेंगे? जब आप अपनी वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल कर रहे हो. इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई एक कंटेंट इंस्टॉल करना चाहें, डेमो कंटेंट, दैट्स वेयर यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ द टूल्स एंड वी विल टेक यू लाइव और हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है. अभी जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे या टूल्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक टूल नज़र आ रहा होगा, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर. कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर करता क्या है कि वो कैटेगरीज को टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देता है. इससे पहले एक और टूल भी अवेलेबल था वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट जिसका नाम था प्रेस दिस, बट अब इट हैज़ बीन डेप्रिकेटेड. इट्स अवेलेबल एज अ प्लगइन बट ये टूल आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में नहीं अवेलेबल. सो एक और टूल जिसकी हम बात करेंगे वो है इम्पोर्ट. द इम्पोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड्स यू विद वेरियस टूल्स फॉर इम्पोर्टिंग कॉन्टेंट फ्रॉम अदर ब्लॉगिंग सिस्टम्स. लेट्स से आपका ऑलरेडी ब्लॉग किसी और साइट पे एग्जिस्ट करता है, लाइक टम्बलर, मूवेबल, लाइव जर्नल, ब्लॉगर, टाइप पैड. तो आप उन साइट से अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे
बड़ी ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं. बट व्हाई वुड वांट, आप ये क्यों चाहेंगे कि आप उन साइट से कंटेंट अपनी साइट पे लेके आए? वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी. वर्डप्रेस इज फ्री, वर्डप्रेस इज पावरफुल, एंड वर्डप्रेस इज द मोस्ट यूज्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम. यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम ब्लॉग रोल्स, दे यूज द OPML फॉर्मैट, और फ्रॉम एन RSS फीड. RSS फीड क्या होती है? मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि RSS फीड इज रियली सिंपल सिंडिकेशन फीड. इट्स अ वे टू कम्युनिकेट कॉन्टेंट. पहले बहुत यूज होता था, अब नहीं यूज होता, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. टू इम्पोर्ट कॉन्टेंट फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ साइट अदर देन वर्डप्रेस, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू इंस्टॉल द रेलिवेंट इम्पोर्टर प्लग इन. मैं आपको ट्राई भी कराऊंगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के बारे में जान ले थोड़ा. एक्सपोर्ट ऑप्शन इज यूज टू एक्सपोर्ट XML डेटा फ्रॉम योर वर्डप्रेस साइट. अगर आप अपने कॉन्टेंट को एक्सपोर्ट करके रखना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं. द एक्सपोर्ट फॉर्मेट इज कॉल्ड वर्डप्रेस एक्सटेंडेड RSS और WXR, एंड विल कंटेन योर पोस्ट्स, योर इमेजेस, योर पेजेस, योर कमेंट्स, योर कस्टम फील्ड, योर कस्टम फोर्स एंड योर नेविगेशन मेन्यूज. Once you have downloaded this file, you can use this to import it in an other website. So, ये इसलिए भी बड़ा आपको काम करेगा. आपका यहाँ पे question हो सकता है कि किस तरह का plugin helpful हो सकता है for import export. There is a plugin called Demo Content, which I want you to try. So, जैसे कि हमने users add किए, हमारे पास अब admin, Bablu और Salma के नाम से तीन users हैं. As you can see, we have a very diverse website. But हम add करना चाह रहे हैं कुछ नए tools. तो जाके इन tools को हम एक्सप्लोर करते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया था, यू हैव अ कैटेगरीज टू टैग्स एंड अ टैग्स टू कैटेगरीज कन्वर्टर. तो हम इसको देखते हैं क्लिक करके कि ये हमें क्या कहता है. इट विल बेसिकली आस्क अस टू इंस्टॉल दिस. तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है. अगर मैं अपना ब्लॉग कहीं और से इम्पोर्ट करना चाहूँ, वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ. सो मैंने इंस्टॉल कर लिया, एंड इट सेइंग के कैटेगरीज टू टैग एंड टैग टू कैटेगरीज कन्वर्टर को आप इंपोर्ट क्लिक करें. तो मैं रन इंपोर्टर का बटन दबाऊंगा, एंड यहां से आई विल बी एबल टू रन दिस प्लगइन. सो आप देख रहे हैं, वो मुझे कह रहा है कि कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स. सो ये सारे जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, दीज आर माय कैटेगरीज. डू आई वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम टू टैग्स? नो. बट डू आई वांट टू कन्वर्ट सम ऑफ देम? यस. मैं इनको टैग्स पे क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सो वी हैव पिशावर, क्वेटा, कराची और इस्लामाबाद. आई विल कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स, एंड आप देख रहे हैं कि ये कैटेगरीज टैग्स में कन्वर्ट हो गई हैं. अब मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करूंगा, एंड नाउ आई हैव सिटी, कैपिटल, फुटबॉल, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद. ये सारी मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दूंगा. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द टूल्स ऑप्शन. एक्सपोर्ट के लिए आई गो टू एक्सपोर्ट. मैं अपना सारा कंटेंट आई वांट टू डाउनलोड एज एन एक्सपोर्ट फाइल. आई क्लिक ऑन डाउनलोड. ये बड़ी पावरफुल फीचर है, बिकॉज इस फीचर को यूज करके आप अपनी साइट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी साइट को किसी और साइट से कनेक्ट भी कर सकते हैं. आप इस टूल को यूज करते हुए और चीज़ें कर सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है डेमो कॉन्टेंट, एंड वी विल सी कि ये प्लगइन कैसे हमें ज़्यादा एक अच्छी फंक्शनैलिटी दे सकता है. सो आई क्लिक ऑन वन क्लिक डेमो इम्पोर्ट इंस्टॉल, एंड इंस्टॉल हो गया. मैं इसको एक्टिवेट करूँगा. ये प्लगइन करता क्या है? इट इंस्टॉल्स डमी कॉन्टेंट ऑन योर वेबसाइट. सो प्लगइन एक्टिवेट हो गया है. आई विल लुक फॉर द प्लगइन. आई विल गो टू सेटिंग्स में देखूंगा वहां पे है कि नहीं है. मैं टूल्स में देखूंगा, टूल्स में इंपोर्ट में देखूंगा. सो यहां पे रन इंपोर्टेड की ऑप्शन दे रहा है. आई क्लिक ऑन दिस. आई कैन नाउ इंपोर्ट डेटा using this plugin to install it on my website. So ये
एक टूल्स का फ़ायदा है कि आप किसी भी तरह का प्लगइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंस्टॉल कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड, यूज़ इट फॉर योर वेबसाइट, ताकि आप अपनी वेबसाइट को यूज़ करते हुए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें, एक फ्रीलांसर बन सकें और एक स्मार्ट वर्कर बन सकें.